फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम प्लांट की रेनी सीजन में अपने प्लांट की देखभाल कैसे करें, बरसात के मौसम में अपने प्लांट्स को किस तरह से बचाएं, इस बारे में बात करेंगे। आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगे कि आप बरसात में अपने प्लांट्स की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान दें कि बारिश का मौसम हर जगह लगभग स्टार्ट हो गया है, बारिश काफ़ी हो रही है, तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स कि आप बारिश के मौसम में अपने पॉट के अपने गमले के ड्रेनेज होल को चेक करें। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, और ये देखिए, जैसे ये मेरा ये पॉट है, गमला है, इसका ड्रेनेज शायद ठीक नहीं है, इसलिए इसमें पानी रुका हुआ है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है फ्रेंड्स, आप तुरंत अपने गमलों के ड्रेनेज होल को चेक करें। अगर पानी गमलों में रुकेगा तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए हमारे इस प्लांट को ओवर वाटरिंग से ये कैसा हो गया है, ये देखिए छूने से इसके जो लीव्स हैं वो टूट रहे हैं, और ये प्लांट काफ़ी मतलब डेड सा होने लगा है। तो आपको ये गलती नहीं करना है फ्रेंड्स, आप अपने गमलों को रेगुलरली चेक करिए, अगर उसमें पानी रुक रहा है तो ड्रेनेज होल को चेक करिए, और आप हो सके तो एक टूल की सहायता से कुछ इस प्रकार से ऐसे आप छेद बना सकते हैं, 2-3 आप गमलों में कुछ इस प्रकार से टूल्स की सहायता से ऐसे छेद बना दें नीचे तक, ताकि पानी जो है तो गमलों में रुके नहीं, आसानी से ड्रेन हो जाए। और आपको गमले को उठा के भी देखना है फ्रेंड्स, अगर नीचे से ड्रेनेज होल ब्लॉक हो गया है तो आप उसे क्लीन करें, ताकि गमलों में पानी रुके नहीं। दूसरे टिप्स की बात करूंगी फ्रेंड्स, तो आप एक बात का ध्यान दें कि आपके गमले में किसी भी प्रकार का जो लीव्स हैं, डेड लीव्स हैं और पत्तियां हैं, स्टेम्स हैं, वो इस तरह से पड़ी नहीं होनी चाहिए, आप उसे तुरंत ही रिमूव कर दें, क्योंकि बारिश के मौसम में काफ़ी जल्दी प्लांट्स में फंगस लग जाती है, कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, जिससे भी प्लांट का डेड होने का खतरा रहता है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान दें। फ्रेंड्स, आप अपने गमलों में देखें, जैसे ये मेरा गमला है, इतना ये खाली है, क्योंकि गर्मियों में हमने इसे वाटरिंग के लिए इसकी मिट्टी रिमूव कर दी थी, तो अब बरसात का सीज़न आ गया है फ्रेंड्स, तो आप इसे खाली नहीं छोड़ें, इसे पूरा मिट्टी से कवर कर दें, ताकि क्योंकि इसमें जितनी अधिक जगह रहेगी, पानी रुकने का खतरा उतना ही ज़्यादा रहेगा, और आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान दें, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, आप इसमें मिट्टी डालें और इसका ड्रेनेज होल चेक करें। फ्रेंड्स, बरसात का सीज़न प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये जो हर साल में जितनी ग्रोथ नहीं करते हैं, साल के और महीनों में जितनी ग्रोथ नहीं करते हैं, ये बरसात के सीज़न में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि ये बरसात का मौसम जो है इन प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जब हम पॉट्स में गमले में लगाते हैं प्लांट्स, तो उतनी रिक्वायरमेंट इनकी पूरी नहीं हो पाती है, और बरसात ज़मीन में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फ्रेंड्स, इसलिए बरसात के मौसम में ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके प्लांट जो है वो ओवर ग्रोथ हो जाते हैं, तो आप इनकी कंटिन्यू कटाई छटाई भी करते रहें। ये देखिए हमारा ये करी लीव्स का प्लांट था, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया था, और इसे हमने जो है इसकी प्रूनिंग कर दी है, आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ से ये न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट कर रहा है। तो आप अपने प्लांट्स की जो है रेगुलर कटाई छटाई भी करते रहिए, क्योंकि प्लांट को वो भी ज़रूरी है बरसात के सीजन में, तो इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। आप इसकी पुरानी लीव्स हैं, टहनियाँ हैं, उन्हें हटा दें, रिमूव कर दें, ताकि न्यू प्लांट न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर सके। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि बरसात के सीजन में, रेनी सीजन में अपने जो प्लांट हैं उनमें काफ़ी जो हैं चींटियाँ वगैरह हैं, कीड़े वगैरह हैं, लग जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये मिर्ची का प्लांट है, इसमें काफ़ी सारी चींटियाँ लग गई हैं, तो आप इसमें रेगुलरली, आपके प्लांट में अगर चींटियाँ वगैरह ना भी लगी हो, तभी आपको रेनी सीजन में इसमें हफ्ते में एक बार आप अपने प्लांट्स को फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें फ्रेंड्स,
ताकि इसमें किसी भी प्रकार का रोग या कीड़ा नहीं लगे, क्योंकि रेनी सीजन प्लांट्स के लिए बहुत ही जो है ट्रिकी होता है। इसमें काफ़ी जल्दी फंगस वगैरह लग जाती है, वातावरण में काफ़ी नमी होती है, तो आप अपने प्लांट्स में रेगुलर फंजीसाइड का स्प्रे करें ताकि चींटी वगैरह कीड़ा वगैरह बिल्कुल भी आपके प्लांट में ना लगे और आपका प्लांट हेल्दी अच्छे से ग्रो कर पाए। तो आपको ये प्रोसेस जो है तो हर हफ्ते दोहराना है फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल हो सके तो, और नहीं तो आप इसे 10 से 15 दिन में इसे ज़रूर रेगुलरली दोहराएं, ताकि आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर पाए और हेल्दी रहे। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में प्लांट्स में काफ़ी जो है तो वो कीड़े वगैरह, इल्लियाँ वगैरह और टिड्डे वगैरह लग जाते हैं, जो आपके प्लांट्स के लीव्स को खा लेते हैं और उसकी ग्रोथ नहीं होने पाती। न्यू जो शूट्स निकलते हैं, न्यू ग्रोथ प्लांट्स की निकलती है, तो उसे इल्लियाँ वगैरह खा लेती हैं, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो आप इसके लिए इसमें कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाए। फ्रेंड्स एक बात आपको और ध्यान देनी है कि अगर आप अपने प्लांट्स में केमिकल फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसमें एक घर पे ही फंजीसाइड बना सकते हैं। उसके लिए आपको 5 ml नीम ऑयल लेना है और उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल के और 1 चम्मच लिक्विड सोप या हैंड वॉश आप ले सकते हैं, उसको मिला के अच्छे से सेक करके डिजॉल्व करके और अपने प्लांट्स को प्लांट्स में स्प्रे करना है। इससे भी आपको इस प्रॉब्लम से काफ़ी निजात मिलेगी। फ्रेंड्स जो आपके यहाँ जैसे बल्ब वाले पौधे होते हैं, ये देखिए जैसे मेरे पास ये रेन लिली है और ये रिवन ग्रास है, कुछ इस प्रकार से डेलिकेट से पौधे होते हैं जो इंडोर होते हैं और जो काफ़ी बल्ब वाले होते हैं और काफ़ी कम पानी में रहने वाले होते हैं, तो उनका आप ड्रेनेज होल विशेष रूप से चेक करें। जैसे ये कुलेंचो है, ये काफ़ी कम पानी में ग्रो होता है, तो आप ऐसी जगह रखें जहाँ ज़्यादा पानी ना पड़ता हो और गमले का ड्रेनेज होल बिल्कुल चेक कर लें। फ्रेंड्स हमारे प्लांट जो है वो इस सीज़न में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं, ये देखिए मेरा रोज काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करते हैं, तो आप इसमें खाद ज़रूर दें। फ्रेंड्स आप अपने गमलों की थोड़ा थोड़ा सा गुड़ाई कर दें और फिर उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप अपने प्लांट्स को ज़रूर दें, ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो पाए। ये देखिए फ्रेंड्स हमने आपके साथ रोज़ की कटिंग लगाकर शेयर की थी, वो लग भी चुकी है और उसमें ये देखिए छोटी सी बड्स भी आई हुई है, कली भी बन चुकी है। तो हमारी रोज़ की जो कटिंग है वो लग चुकी है और इसमें मैंने 2 कटिंग लगा दी थी एक साथ और देखिए इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगा है। फ्रेंड्स आप एक बात का रोज़ में और ध्यान दें कि अगर उसमें कोई डेड लीव्स हों या पुरानी लीव्स हों, आप उसे रिमूव कर दें, कट कर दें, ताकि ये प्लांट्स अपनी न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर सके। और इसमें आप जैसे ये हमारा गमला है, आप इसे इतना ज़्यादा खाली नहीं छोड़ें फ्रेंड्स, अभी मैं इसको कवर करने वाली हूँ, इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट दूंगी और इसमें और मिट्टी डालूंगी, ताकि मेरा ये जो प्लांट है, ये गमला है, इतना पूरी तरह से यहाँ से भर जाए। अगर इतना खाली रहेगा फ्रेंड्स तो जब बरसात होगी तो इसमें पूरा पानी भर जाएगा और इसकी जो रूट है वो गल सकती हैं, तो आपको ये प्रोसेस भी करना है। फ्रेंड्स ये देखिए जैसे ये जो डेड लीव्स वगैरह हैं, आप अपने गमले को पूरा क्लीन कर दें ताकि कोई फंगस वगैरह ना लगे। फ्रेंड्स बरसात के मौसम में आपके प्लांट्स के आसपास जो है जैसे मच्छर वगैरह आ जाते हैं, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो आप कीटनाशक का रेगुलरली स्प्रे करें, हफ्ते में 15 दिन में एक बार तो करते ही रहें, ताकि आपके जो प्लांट हैं वो नीट एंड क्लीन दिखें और कोई फंगस कीड़ा ना लगे और आपको भी कोई उससे नुकसान नहीं होगा फ्रेंड्स। लेकिन एक बात का ध्यान दें, अगर आप केमिकल फंजीसाइड या केमिकल कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपने हाथों में ग्लव्स पहने, मुंह में मास्क लगाएं, क्योंकि ये काफ़ी जहरीले होते हैं फ्रेंड्स, तो आप इस बात का ध्यान दें। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।